तुम रेगिस्तान में ऊंट की तरह होते जा रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ऊंट होते हैं ना, वो बबूल के कांटे खाते हैं। कांटे खाने से उनके मुंह से खून निकलता है, जायका उन्हें अपने खून का आता है और वो समझते हैं कि कांटे बहुत मजेदार हैं। तुम्हारी हालत बिल्कुल इस तरह होती जा रही है राहुल, तुम्हें अपने दुख में मजा आने लगा है। तुम कब तक इस तरह जियोगे? नहीं, अब तो मैं जीना ही नहीं चाहता। ऐसा मत बोलो राहुल। क्यों? मैंने लोला की हर ख्वाहिश पूरी की, अपने पापा को धोखा दिया है मैंने, अपनी प्यारी बहन को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, उसे भी पापा से जुदा कर दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी। मैंने मैंने पापा को मारा। अंकल बाय फादर। राहुल प्रायश्चित कर लो राहुल। हाँ मैं करूंगा प्रायश्चित, मैं आत्महत्या कर लूंगा। राहुल जिंदा रहकर भी तो प्रायश्चित किया जा सकता है। वो कैसे? अब तक तुमने जो भी कुछ किया है उससे उल्टा करो राहुल, अपनी बहन की मदद करो। मैं कैसे मदद करूं उसकी? अगर अगर आज मैं ये सब कुछ छोड़कर बाहर चला जाता तो मेरे पास एक वक्त खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। Thank you.
कोई भी निशानी नहीं। पापा की हर चीज रूला में दान में दे दी। तुमने मेरे पापा की हर निशानी मिटा दी? तेरा यहां कुछ नहीं कुटी, सब कुछ लोला का है। कुछ चाहिए भी नहीं, बस मम्मी पापा की आखिरी निशानी मिली है और वो ही लेकर जाऊंगी। उनके यादों के साथ जीना सीख, तुझे जाया से यही तेरे लिए बेहतर होगा। और तेरे लाड सहने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। नताशा, पुलिस को फोन करो। ये औरत हमारे घर में चोरी करने आई है। Trespassing is also a crime. इंस्पेक्टर साहब, ये बेल क्यों नहीं हो सकती? आपके पास क्या सिक्योरिटी है? जाइए, ये जमानत नहीं हो सकती। बोला ना आपसे, खामखा हमारा वक्त खराब कर रहे हैं। हेलो हेलो डैडी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ दिल्ली से। अरे गिरीश बेटे, तुम अभी तक यहाँ पहुंचे कैसे? नहीं, बुरी खबर है डैडी, प्रिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चिंता नहीं कर, मैं पहले फ्लाइट से वहां पे आ रहा हूं। घर भी तुम्हारा ही है, फिर इजाजत किस लिए? डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। राहुल, ना तुम डूब रहे हो और ना मैं तिनका हूं। क्या बात? आंखों के सामने मेरी बहन को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तमाशा देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला। मैं मुझे अपने आप से घृणा में लगी। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ, आगे की सोच रहा हूं। और पीछे भी मेरा फड़फड़ाना देखकर वो बहुत खुश होती है, बहुत अच्छा लगता है। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कोई हल नहीं निकलेगा नताशा, तुम्हारे कहने के मुताबिक लोला बहुत इंपल्सिव है, कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और मैं उस गलती का फायदा उठा लूंगा।
लोना अपने प्लान्स बहुत सोच समझ कर बनाती है, उसमें कभी कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। Have patience, राहुल, कुछ न कुछ तो सोचेगा ही। कब जब मैं बुरी तरह से टूट जाऊंगा, वहां मेरा तब घुटता है। जो घर मेरे लिए स्वर्ग की तरह था, आज वो मुझे काटने को दौड़ता है। ये सब मेरी वजह से है। मैंने ही अपने पापा को वहां से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। हेलो लोला, आज रात को मैं यही क्लब में रहूंगा। ओके, राइट। बैठिए जनाब। थैंक यू। आप भी बैठिए। तो मिल गए। झंडा सिंह। यस सर। मिसेस देशमुख को ले आओ। कंस्ट्रक्शन का क्या हुआ मिस्टर बख्शी? मैडम, वहां के लोगों ने हमारे खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। ये हम चाहे किसी भी कीमत पर तैयार नहीं चाहिए मिस्टर बख्शी। हमारे काम में कोई भी रुकावट डाले, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप लोग तो जानते हैं कि लोला एंटी कॉन्टिनेंटल का नाम आज हर बड़े आदमी की जुबान पर है। मैं इस नाम को आसमान पर लिखना चाहती हूँ। वो दिन दूर नहीं जब लोला एंटी कॉन्टिनेंटल का फोर्स हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के हर मुल्क में दिखाई देगा। के बोर्ड गिनना छोड़कर अपने दिन गिनना शुरू करो मिसेस लोला। मैं आपकी इज्जत करती हूँ मिस्टर देशमुख, लेकिन मैं आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता। आप अपनी हद से बाहर। हाँ, हमारी मनमानी बहुत हो चुकी है।
लोगों को अपने रास्तों पे लाना और उन्हें रास्ते तुम्हारी ये मर्जी तुम्हारे अपने घर के लोगों पे चल सके, लेकिन एक बात याद रखना, रिया अब मेरी बेटी है। हमारे घर में इसका कुछ नहीं है, हमें उसे पहले भी समझा चुके हैं। उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इस तरह से दलील करकर वो तो खुद तुम लोगों ने रिश्ता तोड़कर चले आए, तो तुम या तुम्हारे दौलत से कोई मतलब नहीं रखती। वो तो बिचारी अपने बाप की निशानी लेने वहां गई थी, उसे क्या मालूम था कि उसके साथ ऐसा सुलूक होगा। दशमुख साहब मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों कहो? लड़का अपने बाप उसी की ही कमाई और दौलत से बेदखल कर सकता है, अपनी बहन को सभी लोगों के सामने दलील होते हुए देख सकता है, चोरी के इल्जाम में उसे हवालात में जाते हुए देख सकता है, क्या बात करूं मैं उसे, क्या बात? कुछ तो सोचा, कुछ तो क्या नहीं किया तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए, बोलो क्या नहीं किया? तुम्हारा अपना घर बनाने के लिए उसने अपने बाप तक से झगड़ा किया, तुम्हारी दौलत की हवस मिटाने के लिए सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर चली गई, और उसके साथ तुमने ऐसा सुलूक किया। एक बात याद, तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम दोनों को जिंदगी भर